हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रायर, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैसिक एक्स 16.1 अवेलेबल हो गया है MI A2 एंड MI6S डिवाइस के अंदर। मेरे पास जो डिवाइस है तो ये Mi 6X है, और इसके अंदर हमने मैसिक्स का जो 16.1 बिल्ड है उसे इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं माई डिवाइस में आके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ऑल स्पेक्स के अंदर एंड्रॉइड 10 हमें यहाँ पर मिल जाती है MIUI 12 के साथ। जो डेवलपर है दोस्तों, डेवलपर का नाम है निकी, एंड यहाँ पर MIUI 12.1 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। जो सिक्योरिटी पैच हमें यहाँ पे मिलता है वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। तो सितंबर का दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल गया है, जैसे कि आप देख पाओगे 2020-0901। बाकी आप यहाँ पर पढ़ पाओगे जो कर्नेल है वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। मैसिक का 16.1 यहाँ पर हमें मिल जाता है। सो जो मैसिक का 16 बिल्ड है उसका मैंने रिव्यू किया था, उसके बाद 16.1 आया है। सो ज़्यादा कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं है, मोस्टली बग फिक्सेस किया गया है। जो MIUI का एप्लीकेशन है उसे लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट करके दिया गया है। जो रिसेंटली जो MIUI का जो Xiaomi UI का अपडेट आया था उसे मार्च करके दोस्तों, जो MIUI 12 का जो चाइना बीटा से उसको दोस्तों मार्च करके मैसिक 16.1 के अंदर MIUI का जो एप्लीकेशन है, जो बिल्ड इन एप्लीकेशन, उसे अपडेट कर दिया गया है। सो MIUI का एप्लीकेशन बोले तो जो कैमरा एप्लीकेशन है उसे लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट करके दिया गया है। जो गैलरी एप्लीकेशन है उसे दोस्तों लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। डेस्कटॉप, मैसेज, कंट्रोल सेंटर, कैलकुलेटर, सिक्योरिटी एज वेल हेल्थ एप्लीकेशन जो है उसे भी लेटेस्ट वर्जन का, जो MIUI का लेटेस्ट वर्जन है, MIUI 12 का चाइना बीटा का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें अपडेट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एज वेल जो गूगल सर्विसेज है उसे भी लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। जो स्टेबिलिटी है दोस्तों, फर्मवेयर का जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर काम किया गया है, और थोड़ा सा स्टेबल करके जो डिवाइस है हमको मिलेगा। दोस्तों जो अनयूजेबल ऑप्शंस थी, जो चाइनीज सर्विसेज थी, उसे यहाँ से हटा दिया गया है इस बिल्ड के साथ। उसके बाद जो रशियन एप्लीकेशन है उसे भी ट्रांसलेट करने का ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। एज वेल आपको यहाँ पर सर्च बार के अंदर दो ऑप्शन मिलेगा, iOS एंड AOSP। दोस्तों सब डिवाइस के लिए नहीं है, स्पेशली MI2 डिवाइस के लिए नहीं है, आपको यहाँ पर जो कुछ ही डिवाइस के लिए अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर देख पाओगे, कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको ढेर सारी ऑप्शन मिल जाएगी। एंड इस ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, इस अपडेट के अंदर एक अच्छी बात हुई है दोस्तों, आप कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन को यहाँ से डिजेबल कर सकते हो। जैसे कि FM रेडियो को दोस्तों यहाँ पर डिजेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। इवन अगर आप चाहो तो जो आपका कॉन्टैक्ट एंड डायलर है उसे भी आप यहाँ से डिजेबल कर सकते हो। आप कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन को, इवन जो कैलकुलेटर है इसे डिजेबल कर सकते हो, एज वेल जो आपका प्ले स्टोर है उसे भी डिजेबल कर सकते हो। कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन को जो डिजेबल करने का आपको फीचर यहाँ पर मिल गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको नया गैलरी एप्लीकेशन मिलता है यहाँ पर, जो स्काई फिल्टर है, डिवाइस फेम है, वो भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ओके, सो यहाँ पर देखते हैं। तो डिवाइस फेम के फीचर जो है दोस्तों अभी भी फिलहाल शायद अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर देख लेते हैं एडिट के अंदर। ओके, यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शन हमें मिल जाती है। ओके, ये कोई काम का नहीं है एडवांस ऑप्शन। सो जो डिवाइस फ्रेम है अभी फिलहाल ऐड नहीं हुआ है, बट जो फिल्टर्स है, नया फिल्टर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। जो स्काई फिल्टर्स है स्पेशली उसे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देख लेते हैं जो नया गेम टर्बो बोट है इसके अंदर जो साउंड चेंज करने का ऑप्शन है वो हैं मिलता है नहीं। एंड यहाँ पर गेम टर्बो मोड के अंदर, उसके बाद सेटिंग्स के अंदर, एंड यहाँ पर हमें गेम टर्बो मोड मिल जाती है। एंड गेम टर्बो मोड के अंदर जो साउंड चेंजर है दोस्तों उसे यहाँ पर नहीं मिलता है, हम यहाँ से साउंड को चेंज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जब भी आपका फोन आप ऑन करोगे दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन का साउंड मिलेगा, इसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड जो कंट्रोल सेंटर है दोस्तों लैंडस्केप मोड के अंदर ढंग से नहीं आता था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, गैलरी ओपन करते हैं, उसके बाद कोई भी फोटो को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर, ओके भाई सभी लैंडस्केप नहीं हो रहा है, ओ ये सॉरी वीडियो है। सो यहाँ से फोटो को चूज करते हैं, सो यहाँ पर रोटेशन को बंद करते हैं। उसके बाद देखिए जो कंट्रोल सेंटर है दोस्तों लैंडस्केप मोड के अंदर कुछ इस तरह दिखाएगा। पहले ऐसा नहीं आता था दोस्तों, बहुत ही बुरा दिखता था, बट अभी कंट्रोल सेंटर को लैंडस्केप मोड के लिए फिक्स कर दिया गया है, जो कि देखने में काफी बढ़िया हमें यहाँ पर मिल जाती है, एंड देखने में काफी प्यारा है। एंड डार्क मोड के साथ जो फेसबुक है दोस्तों, वो फेसबुक के अंदर जो स्टेटस बार है उसको व्यू नहीं हो पाता था, उसे भी फिक्स कर दिया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर। बाकी 16.0 मैसिक का 16.0 के अंदर जितने भी बग्स था उसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर फिक्स करके दिया गया है। एंड
मोस्टली दोस्तों ये जो अपडेट है स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, इस रॉम को और थोड़ा सा स्टेबल किया गया है। गीकबेंच की स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको सिंगल कोड के अंदर जो स्कोर मिलता है 342 एंड मल्टी कोड के अंदर हमें जो स्कोर मिला है 1236, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव हमें लगा है। MI 8 डिवाइस के अंदर काफ़ी अच्छा हमें स्कोर मिला है। एंड कैमरा टेप की बात करूँ Level 3 का सपोर्ट मिल जाता है, तो अगर आप गूगल कैमरा यूज़ करना चाहते हो तो आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। अगर बात करूँ प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। एंड यहाँ पर हमें डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन आ जाता है, इसका मतलब जो गूगल पे है फोन पे है दोस्तों काम नहीं करेगा। आपको मैसेज को डाल के यहाँ पर सेपरेट को पास करना होगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। कैमरा की बात करूँ दोस्तों, जो बग हमेशा ही चला आ रहा है वही बग यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। फ्रंट कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन तो ऑन होगा, बट आपका जो फोटो है दोस्तों वो नहीं क्लिक कर पाएगा, आपका जो बैकग्राउंड है दोस्तों ब्लर नहीं कर पाएगा। सो अगर आप पोर्ट्रेट मोड की यूज़ करना चाहते हो तो गूगल कैमरा है, गूगल कैमरा की यूज़ कीजिए। जीकैम की यूज़ कीजिए, क्योंकि जीकैम आपका जो डिवाइस है दोस्तों उसमें आप जीकैम की यूज़ करके आराम से पोर्ट्रेट मोड वाली पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। बाकी MI 8 डिवाइस के साथ MI 6X दोनों डिवाइस के लिए ये रॉम अवेलेबल है। दोनों डिवाइस का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर बात करूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिंग्स के बारे में, तो आपको मालूम है दोस्तों जो मैसेज है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिंग्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर सनलाइट मोड मिल जाती है, रीडिंग मोड को यहाँ पर फिक्स करके दिया गया है कम्प्लीटली। उसके बाद यहाँ पर जो एनिमेशन है उसे आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड सिस्टम स्टेटस बार के अंदर हमें जो स्मार्ट होम है उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, एज वेल जो नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकन का ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ जो एम आइकन ब्लूटूथ आइकन है उसे भी यहाँ पर हाइड कर पाओगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर भी ये जो ऑप्शन है इसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड होम स्क्रीन के अंदर आपको नया ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आइकन टाइल स्टाइल का ऑप्शन है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फोल्डर, हाइट लेवल इन द बार, हाइट ऐप टाइटल, ये सभी ऑप्शन दोस्तों आपको मैसेज का जो लास्ट बिल्ड है उसके अंदर भी मिलता है। बट अभी ये ऑप्शन को और थोड़ा सा दोस्तों जिसे कहते हैं ऑप्टिमाइज किया गया है, ट्विक किया गया है, जिससे आपका जो डेली यूजेस दोस्तों बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एंड बैटरी लाइफ की बात करो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्सट्रीमली गुड बैटरी बैकअप मिलेगा। इस रॉम के साथ आपको बैटरी बैकअप के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर हमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, 100 मोड का ऑप्शन मिलता है, 100 मोड भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें वीडियो टूल बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाती है, अगर आप वीडियो टूल बॉक्स यूज करना चाहते हो तो। मी लैब के अंदर आपको AI प्री लोडिंग का ऑप्शन है, फाइन फोटोज इन गैलरी का ऑप्शन है, लाइट मोड मिलेगा, सेकंड स्पेस मिल जाएगी, फ्लोटिंग विंडो है दोस्तों, गेम टर्बो है, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर 30 सेकंड का ऑडियो चलेगा, जिसके साथ आपका जो फोन का स्पीकर है दोस्तों वो सही हो जाएगा। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो जो स्पीकर के अंदर जो मिट्टी धूल मिट्टी जमती है दोस्तों वो निकल जाएगा। एंड फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों ही काम कर रहे हैं। अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की, तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है भाई साहब। एंड फेस अनलॉक मैंने फिलहाल अभी भी नहीं डाला है, बट जो फेस अनलॉक है वो भी काम कर रहा है। ब्लूटूथ हॉटस्पॉट मोबाइल डेटा सब कुछ काम कर रहा है, कोई भी इशू इस रॉम के साथ फिलहाल नहीं है। तो मेरी सबसे इस रॉम को आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। इस रॉम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। उसके साथ साथ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।